तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मियो छत पर खड़ी कुछ सोच रही होती है। तभी उसके पास शैडो मियो आती है, जिसे देखकर मियो डर जाती है। तभी शैडो मियो बोलती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हें सच में अपने आप से डर लगता है। यह सुनते ही रियल मियो बोलती है, आखिर यह तुम क्या बोल रही हो। तभी शैडो मियो बोलती है, मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम्हें तुम्हारी नाक, तुम्हारी उंगलियां और तुम्हारा हेयर स्टाइल कुछ भी पसंद नहीं। तुम अपने आप से नफरत करती हो, तुम स्टार्टिंग से ही उसियों की तरह बनना चाहती थी, पर तुम उससे बिल्कुल अपोजिट हो। अब यह सुनकर रियल मियो शैडो मियो को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, पर शैडो मियो उसे रोक देती है और बोलती है कि एक बार ध्यान से सोचो, उसियो बस एक शैडो है और तुम रियल, तो तुम्हें इस जगह पर सिन से अपना लव कन्फेस कर लेना चाहिए, और अगर जल्दी तुमने यह नहीं किया तो तुम्हारी जगह मैं यह कर दूंगी। दूसरी ओर डॉक्टर हिशिगाटा सुओ को उसकी मदर की अस्थियां दिखाते हुए बोलते हैं कि अपने ऑपरेशन से एक दिन पहले ही सुओ की मदर मर गई थी। यह देखकर सुओ बोलता है, डैड मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी इम्पोर्टेंट बात भी मुझसे छिपाओगे। डॉक्टर हिशिगाटा बोलते हैं, सुओ तुम नहीं जानते हो कि हमारी फैमिली पिछले 300 सालों से इस जगह पर शैडोज के लिए काम कर रही है, और हमें बिना शिकायत किए यह काम करना पड़ता है। जब मेरे ब्रदर और मेरे फादर ने मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी थी, तब मैं काफी डरा हुआ था और मैं यह काम नहीं करना चाहता था, पर फिर तुम्हारी मदर को बचाने के लिए मैं यह काम करने के लिए तैयार हो गया, तो मुझे माफ कर दो सुओ। तभी सुओ बोलता है, आपको मुझसे नहीं बल्कि टोकिको से माफी मांगनी चाहिए। अब हमें किचन में सिन और टोकिको को दिखाया जाता है जो खाना बना रहे होते हैं। तभी सिन बोलता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे फादर बुरे इंसान हैं। वह बस इस जगह पर अपनी फैमिली को बचाना चाहते थे, और अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी शायद से यही करता। तभी टोकिको बोलती है, पर उन्होंने बस कुछ लोगों को बचाने के लिए पूरे आइलैंड के लोगों की जान खतरे में डाल दी है। तभी टोकिको सिन की ओर देखते हुए उससे पूछती है, आखिर सिन को सोए हुए कितना टाइम हो गया है, क्योंकि उसकी आंख के नीचे डार्क सर्कल बन रहे हैं। सिन बोलता है, मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है। तभी टोकिको सिन को सोने के लिए बोलती है, जिससे वह अगली सुबह एक नई स्टार्ट कर सके। अब रात में सभी लोग सो रहे होते हैं, तभी नेजू उठकर खड़ा होता है और कहीं जाने लगता है, पर रास्ते में उसियो उसे देख लेती है और उससे पूछती है कि वह कहाँ जा रहा है। नेजू बोलता है, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे एक जरूरी काम है। यह सुनते ही उसियो बोलती है, तुम्हें अकेले वहां नहीं जाना चाहिए। यह सुनते ही नेजू उसे चुप करते हुए बोलता है, इतना तेज मत बोलो, यहां पर सोए हुए तुम सभी लोगों को जगा दोगी। उसियो बोलती है, तो क्या तुम अपने घर पर कुछ भूल गए हो। नेजू बोलता है, हाँ ऐसा ही कुछ। तो क्या अब वह यहाँ से जा सकता है। तभी उसियो बोलती है, क्यों ना वह भी उसके साथ चले। यह सुनकर नेजू उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब वह दोनों नेजू के घर के पास पहुंचते हैं। तभी नेजू उसियो से बोलता है कि तुम घर के बाहर ही इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में वापस आया। और अब नेजू जैसे ही अपने घर के अंदर जाता है, उसियो भी उसके पीछे पीछे घर में घुस जाती है। यह देखते ही नेजू चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी। उसियो बोलती है, उसे इस जगह पर एक शैडो की प्रेजेंस महसूस हुई, इसीलिए वह अंदर आई है। नेजू बोलता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वह शैडो अपनी जगह से नहीं हिल सकता है। अब नेजू उसियो को उस शैडो के पास लेकर जाता है और उसे बताता है कि यह शैडो उसकी वाइफ है। आज से 2 महीने पहले वह फार्म से वेजिटेबल लेने के लिए गई थी, पर जब वह वापस आई तो वह एक शैडो फॉर्म में थी। उसने अपनी फ्लैशलाइट की मदद से मेरा भी कॉपी बनाने की कोशिश की, पर मेरे पास पहले से ही इम्यूनिटी थी, क्योंकि रियोनोस्के की मौत के टाइम एक शैडो ने पहले ही मेरा कॉपी बना लिया था, पर जब वह मेरा शैडो नहीं बना पाई तो उसने मुझ पर अटैक कर दिया, पर मौका देखकर मैंने अपनी नेल गन से उसे इसी जगह पर रोक दिया, जिसके बाद वह गन निकालकर उस शैडो की ओर पॉइंट कर देता है। तभी उसी ओर बोलती है, नेजू आपको यह करने की जरूरत नहीं है, मैं इस शैडो का भी लिंक हाइने से तोड़ सकती हूँ, जिसके बाद यह नॉर्मल हो जाएगी और शायद यह हमारी मदद भी करे। नेजू बोलता है, इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हें और सुओ की मदर को हाइने ने खुद क्रिएट किया था, पर यह एक वाइल्ड शैडो है, तो यह हमारे किसी भी काम का नहीं, और तो और इसे मैं बदला लेना चाहता हूँ, क्योंकि इसने मेरी वाइफ को मारा है, और मैं काफी हिम्मत करके यह काम करने के लिए आया हूँ, तो मुझे यह करने से मत रोको।
और अब यह सुनकर उशियो वहां से चली जाती है, जिसके बाद नेजू उस शैडो को मार देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि नेगुरो सीडे के जले हुए हाथ पर मलहम पट्टी कर रही होती है, जिसके बाद सीडे नेगुरो को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब सुबह में सिन की आंख खुलती है और वह सोचने लगता है कि आखिर अब उसके पास कितना टाइम बचा है। तभी वह फील करता है कि वह अपने डेड जोन से काफी आगे निकल चुका है। तभी सिन को अपने साथियों की चिंता होती है और अब वह बाहर निकलकर देखता है तो उस जगह पर सभी लोग ठीक होते हैं। आज 23 तारीख होती है, इसीलिए सिन प्लान बनाता है कि सभी लोग इस जगह पर दो टीम्स में बढ़ जाएंगे। पहली टीम हिजुरू के साथ उन लोगों के घर जाएगी जिन्हें हिजुरू ने उसियो के फ्यूनरल में शैडो के रूप में महसूस किया था, और दूसरी टीम सिन के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट करेगी। अब सिन रियल मियो से घर पर रुककर रेस्टोरेंट में आलन की मदद करने के लिए बोलता है, साथ ही साथ वह शैडो मियो को भी वहीं पर रहने के लिए बोलकर मियो को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर देता है। अब मियो उसियो को रियल उसियो के कुछ बाल देती है जिसे उसने उसियो के कमरे से इकट्ठा किए थे। अब उसियो उन बालों को कॉपी करके अपने बालों को दोबारा नॉर्मल कर लेती है। अब सिन उसियो के साथ एक ओल्ड लेडी के घर इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाने लगता है। तभी मियो उसे रोकते हुए बोलती है कि सिन जल्दी वापस आ जाए क्योंकि उसे सिन से एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। अब सिन उस ओल्ड लेडी के घर पहुंचता है और देखता है कि वह ओल्ड लेडी काफी पहले ही मर चुकी होती है, और यह ओल्ड लेडी बचपन में सिन और उसियो की टीचर हुआ करती थी जिन्हें वह बूची कहकर बुलाया करते थे। अब सिन को याद आता है कि बचपन में जब कुछ लड़के उसियो को बुली करने की कोशिश कर रहे थे तब उसियो ने उन लड़कों को बुरी तरीके से मारा था, पर बीच में आकर बूची ने उसे रोक दिया था। बूची काफी ज्यादा काइंड थी और वह उसियो को समझाती है कि उसे इस तरह फाइट नहीं करनी चाहिए। तभी उसियो बोलती है कि वह दोनों लड़के बुली है और वह हमेशा कमजोरों को बुली करते रहते हैं, तो उसने उन्हें मारकर कोई गलती नहीं की है। बूची बोलती है, उसियो तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, पर तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ का यूज वायलेंस के लिए नहीं बल्कि दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करना चाहिए। और अब वह सिन को उसियो का ध्यान रखने के लिए बोलती है। अब पुरानी बातें याद करके उसियो उस जगह पर रोने लगती है। अब दिखाया जाता है कि सिन और उसियो शैडो बूची के मार्क्स को फॉलो करते हुए फॉरेस्ट के अंदर आ जाते हैं। तभी उन दोनों को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और अब वह दोनों काफी तेजी से उस ओर भागते हैं। अब दिखाया जाता है कि एक जगह पर शैडो बूची दो और शैडोज के साथ हामाची और उसके दोस्तों के सामने खड़ी होती है। तभी उसियो काफी तेजी से उन दोनों शैडो पर अटैक करते हुए उन्हें मार देती है और हामाची को बचा लेती है। तभी बूची अपने ब्लेड से सिन पर अटैक कर देती है, पर उसी वक्त सिन अपने गन से बूची को शूट करके उसे मार देता है। अब उसियो उन बच्चों को बताती है कि इस जगह पर गुड शैडो और बैड शैडो के बीच वॉर चल रही है और उसियो गुड शैडो के साइड है जो बैड शैडो को मारने में इंसानों की मदद कर रही है। अब यह सुनकर वह सभी बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी उसियो देखती है कि सिन उस पेड़ पर लटका होता है क्योंकि उसे पेड़ से नीचे उतरना नहीं आता है, जिसके बाद सिन उन बच्चों से बोलता है कि वह इस बारे में किसी को भी ना बताए क्योंकि वह लोग एक टॉप सीक्रेट मिशन पर है। यह सुनकर वह लोग और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, जिसके बाद सिन उन लोगों को उस जगह से जाने के लिए बोलता है। अब उसियो बोलती है, क्या उन्हें यह बात उन बच्चों को बतानी चाहिए थी? क्या वह यह बात सीक्रेट रख पाएंगे? सिन बोलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वह बच्चे हैं, उनकी बात पर वैसे भी कोई यकीन नहीं करेगा। तभी उसियो को उस जगह पर कुछ खून के निशान दिखाई देते हैं जिन्हें वह स्कैन करती है, तो उसे पता चलता है कि इस जगह पर घूमने आए टूरिस्टों को किसी ने मारा है, जिससे सिन समझ जाता है कि हाई ने फाइट के बाद काफी ज्यादा कमजोर हो गई है और अब वह अपनी पावर को रीगेन करने के लिए बिना सोचे समझे सामने आने वाले सभी इंसान को मारे चली जा रही है। तभी सिन के पास हिजुरू का कॉल आता है, जिसके बाद वह अपने नेक्स्ट प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। अब वह सभी लोग एक जगह पर मिलते हैं और एक दूसरे को अपने इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताते हैं, जिसके बाद सिन बोलता है, अब टाइम आ गया है उससे मिलने का। और अब सिन ट्रेन की ओर जाने लगता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि यह सब तब स्टार्ट हुआ था जब मैंने पहली बार उससे जाकर मिलने की कोशिश की थी और उस जगह पर मैं मारा गया था। अब सिन ट्रेन में पहुंचकर काराकिरी को ग्रीट करता है और उसे बोलता है कि वह इस जगह पर उससे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता है,
जो सुनकर काराकिरी उससे बात करने के लिए तैयार हो जाता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।